वॉचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर और अब बारी आती है एक बढ़िया सी कड़ी बनाने की। और जो कड़ी है ये कच्चे आम के साथ में बनेगी, दही वगैरह कुछ नहीं है, इमली कुछ नहीं है। देखते हैं कैसे बनाया जाएगी ये कड़ी। और ये मैंने इसके अंदर ले लिया थोड़ा सा तेल, और तेल के साथ में ये मेरे पास मेथी दाना, उसके साथ साथ ये रहा मस्टर्ड सीड, और उसके साथ साथ अब जरा मुझे चाहिए प्याज। और ये जो प्याज है ये देखिए हरा प्याज, और ये प्याज इस तरह से मैं काट के डालूंगा। प्याज हो गया, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, जरा हरे प्याज की पत्तियां जो हैं ये और काट के रख लेते हैं हम, और ये भी बड़ी मजेदार लगती हैं इसके अंदर, तो चलिए ये भी इसके अंदर डाल दें। अब क्या करना है, चलिए कच्चा आम जो है ले लेते हैं, और कच्चा आम डाल के इसको थोड़ा पीस लेते हैं। और ये लीजिए कड़ी, कड़ी अलग अलग किस्म की होती है, खैर मेरी फेवरेट तो है पंजाबी कड़ी। अब पंजाबी कड़ी की तो बात ही कुछ और है ना, वो इसलिए क्योंकि बचपन से खाता आ रहा हूँ, लेकिन कड़ी मैं इतनी तरह की बनाता हूँ और बातें करता हूँ कड़ी की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं, कभी छाछ के साथ में, कभी इमली के पानी के साथ में, कभी टमाटर के पानी के साथ में, कभी कच्चे आम के पानी के साथ में। ये लीजिए ये हमने पीस लिया इसे, और ये देखिए कच्चा आम, वाह बहुत बढ़िया खट्टा कच्चा आम, और इसके अंदर ये आएगा बेसन, तो ये बेसन इसमें, और बेसन डाल के इसको जरा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज डाल देते हैं हम, ये मेरे पास करी पत्ते, करी पत्ता भी इसके अंदर डाल दिया, जितना फ्लेवर इसके अंदर आ सके उतना अच्छा। और ये जो हमारे पास है हल्दी इसमें, और हल्दी के साथ साथ नमक, ये रहा नमक, और इसमें पानी, पानी डाल के, वाह। तो ये जो कच्चा आम है, कच्चे आम का जो खट्टापन है इस कड़ी को बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देता है, सब मसाले के साथ में, कच्चा आम भी इसके अंदर, और ये लीजिए इसमें कच्चे आम के कुछ पीसेस, और ये जैसे जैसे कड़ी पकेगी ये अच्छी तरह से इसको पकने का मौका देते हैं, ताकि जो कच्चे आम हैं बड़ी जल्दी गल जाते हैं। और ये यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर, लाल मिर्च तड़के में तो डाली थी हमने, जब आप इसका घोल बना रहे हो लाल मिर्च उसी समय डाली जा सकती है, और कोई बात नहीं अब डाल दी है। ये जो आम की कड़ी है, कच्चे आम की कड़ी, इसमें खट्टा मीठा टेस्ट, तो मीठा जो है गुड़, और गुड़ इसमें डाल देते हैं हम, 10 मिनट और पकाना पड़ेगा इसको हमें, और फिर ये पूरी तरह से पक जाएगी कड़ी, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पकाइए अच्छी तरह से, समय होना चाहिए कड़ी बनाने के लिए, खासतौर से ये कड़ी।